अस्सलाम वालेकुम, आपका मेरे चैनल फरजाना की दुनिया में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आम रस पूरी। तो हमने उसके लिए लिया है 4 आम और उसको जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो उसे से दबा दबा के उसका पल्प गुठली सब निकाल लेना है हमको। और फिर उसको जो हमारा जो छिलका होता है ना उसमें भी काफ़ी पल्प लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर है ना दूध विद केसर जो सोक करके रखते हैं वो डाल के उसको भी अच्छे से मसल के उसका पल्प उसमें से जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो भी निकाल लेना है। और दूध का मिक्सचर हमें वापस से हमारे मैंगो पल्प में मिला देना है। फिर उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट और थोड़ा सा इलायची पाउडर, और उसको सबको एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये देखिए गाइस, हमारा आम रस रेडी हो चुका है। अब हम इसे, जब तक हमारी पूरियाँ नहीं बनती, इसे हम रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने देंगे और चलिए पूरियाँ बनाते हैं। तो पूरी बनाने के लिए मैंने ली हूँ आटा, ज़ीरा और थोड़ी सी घी, और उसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा रवा। रवा डालने से एक्चुअली ये होता है ना कि पूरियाँ है ना फुली रहती है, बैठती नहीं है फ्राई होने के बाद, तो वो अच्छी लगती है सिर्फ फुली पूरियाँ ना आमरस के साथ खाने के लिए। तो अभी थोड़ा पानी मिला के हम एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे पूरी के लिए। तो ये मेरा आटा रेडी हो गया है, तो चलिए पूरियाँ बनाते हैं। पूरी को भी अच्छी तरीके से फुला लेना है और दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक हमें इसे पका लेना है, सेक लेना है। तो ये हमारी पूरी अच्छे से फूल गई है। तो ये देखिए गाइस, हमारा आम रस जो बहुत ही काफ़ी टेस्टी है, इसके हम सर्व करेंगे पूरी के साथ। ठंडा सर्व कीजिएगा और गरम पूरी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर